हेलो, वेलकम बैक। हम लोग सीख रहे हैं कोरल ड्रा स्टेप बाय स्टेप। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस लेशन में एक नया लेशन हम जोड़ते हैं। सबसे पहले कोरल ड्रा को हम ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद से जितने भी हमें टूल्स वगैरह के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई किया था, सीखा था, वो लगभग एक बार में आप इस चीज़ को देख लें। इन सारे टूलों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक एक बाई एक 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 एग्जाम्पल के साथ भी हम कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ये सारा फिल टूल भी हो चुका है हमारा सारा काम इसमें। अब हमारे पास जो आता है इंटरेक्टिव फिल टूल, इंटरेक्टिव फिल टूल जो होता है इसको हमको सीखना है। तो इस टूल को हम कह सकते हैं ये जी, ये देखिए दो तरह का फिल टूल है। एक फिल टूल जो है बिल्कुल नॉर्मल है और एक इंटरेक्टिव फील टूल है। दोनों में अंतर, एक को जी से एक्टिवेट करते हैं और एक को नॉर्मल। तो सबसे पहले चलिए अब इस टूल को सीखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटरेक्टिव टूल। यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ, फील टूल। इंटरेक्टिव टूल, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि आपको इसी टॉपिक पे चर्चा हमको करना है, आपको इसको सिखाना है। तो ये मैं इसको करके इसे थोड़ा सा चलिए एक्सट्रूड कर देता हूँ। एक्सट्रूड करने से ये होगा कि ये काफ़ी हाईलाइट हो जाएगा और आप जो है इसको बखूबी देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि हम इस पे चर्चा कर रहे हैं और आपके जेहन में ये चीज़ बनी रहेगी। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ जो पहले मैं बता चुका हूँ आपको, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी, ये एक्सट्रूड पे मैं काम कर रहा हूँ। एक्सट्रूड ऑप्शन के बारे में आपको बताया जा चुका है पहले, और आज जो है हम इस टूल पे पुनः जा करके काम कर करके आपको आगे ले चलते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने एक जो है ये जो आज डिस्कस है करना है हमको, जिस टूल पे हम काम करेंगे तो उस टूल के बारे में ही हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आगे ले चलते हैं। आगे करना क्या, आप इस चीज़ को देख पा रहे हैं, ये तमाम तरह की जो मैंने बनाया, इसके पीछे वाले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने इसकी पढ़ाई भी किया था और आप इस चीज़ को जान भी रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सर्कल ले लेंगे और सर्कल लेने के बाद से इसमें हम कुछ कलर्स डाल देते हैं। अब इस कलर्स को देखो, ऐसे मैंने नॉर्मल फिल कर दिया लेकिन हम पढ़ क्या रहे, फिल टूल। तो इस फिल टूल में हमको क्या करना है कि कोई ना कोई कलर डालना, दो चीज़ है यहाँ पे, दो ही ऑप्शन आपको मिलेगा। एक होता है इंटरेक्टिव फिल टूल और एक होगा आपका मेस फिल टूल। दोनों में अंतर है, मेस फील टूल। अगर हम इंटरेक्टिव फील टूल पे जाके क्लिक कर लें और फिर इसके बाद से यहाँ तक मैं ड्रैग कर दूँ, ड्रैग करने के बाद से दो ऑप्शंस हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पे हम कुछ कलर्स ले लेते हैं और यहाँ पे भी हम कुछ कलर्स ले लेते हैं, कुछ एलोज ले लेते हैं। अब इसके बाद से हमारे पास क्योंकि अब देखिए इसके बाद इसी की डुप्लीकेट मैं कर लेता हूँ, कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो एक डुप्लीकेट बन जाएगा। अब इस डुप्लीकेट को मैं मेस टूल एक्टिवेट करता हूँ। अब यहाँ पे जहाँ से ये नोट्स दिखाई दे रहे हैं इसको आपको सेलेक्ट करना है और जो भी कलर डालना है आप इसमें वो कलर डाल दीजिए, जो भी कलर डालना है आप उस कलर टूल डाल दीजिए, इसका लुक बदल जाएगा। ठीक है, और आप कुछ भी देखिए इसमें हम थोड़ा ब्लैक सेलेक्ट नहीं, जब तक सेलेक्ट नहीं होगा तब तक वो काम नहीं करेगा। ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं। तो ये दो टूल रहा हमारे पास, मेस टूल। ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, ये देखिए नीचे ये है मेस फिल टूल, इसे इसका नाम है मेस फिल टूल। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ मेस फिल टूल। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं, शॉर्टकट जो इसका है M से है,
और रियम के बाद से हम क्या करेंगे, अर्थात हम जब भी इसका यूज़ करें तो कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, और कीबोर्ड से एम दबाएंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, और बाकी जो है आप माउस से दबा के इसे यूज़ कर ही सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं उसे आपको बेहतर तरीके से बता सकूँ। इसके पहले के क्लास को अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो पिछला क्लास आप ज़रूर देखें और उसे ध्यान। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।